वेलकम टू सफी स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिस, मतलब जो इम्पॉर्टेंट ऑफिस हैं उनको कौन हेड कर रहा है, कौन कौन उनके हेड हैं, उनका ऑफिस संभाल रहे हैं वो हेड करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे सीधे आपको यहाँ से क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई देंगे एग्ज़ाम में, बिकॉज एग्जामिनर यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो पहला हमारा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे अजीत डोवाल सर हैं, जो कि जिन्हें हम जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और अजीत डोवाल सर जो है हमारे 30 मई 2014 से अभी तक की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट पे हैं, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन रखने में। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया हैं वी अनंत नागेश्वरन जी हमारे चीफ इकोनॉमी एडवाइज़र ऑफ इंडिया हैं, और ये 18th चीफ इकोनॉमी एडवाइज़र ऑफ इंडिया हैं। भारत के 18वें चीफ इकोनॉमी एडवाइज़र ऑफ इंडिया हैं। और इकोनॉमी की जहाँ पे बात होगी तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस समय मौजूदा हैं। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं वाइस पर्सन ऑफ नीति आयोग। देखिए सिर्फ हमें ऑप्शन नहीं देखने हैं, जैसे कि वाइस पर्सन क्वेश्चन आए वाइस पर्सन ऑफ नीति आयोग तो हमने जो है सीधा सीधा सुमन बेरी टिक कर दिया। हमको और एडिशनल जानकारी लेनी है, बिकॉज जब तक एडिशनल जानकारी नहीं होगी आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें नीति आयोग क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, और इसके चेयरपर्सन, ये तो वाइस चेयरपर्सन हो गए मेरे, जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, और इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन बेरी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेयरमैन ऑफ इसरो, जो कि अभी ये नए नए बने हैं, इन्होंने के सीवान जी को रिप्लेस किया है। तो चेयरमैन ऑफ इसरो हैं इसरो का। सबसे पहले हमें इसरो का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसके जो चेयरपर्सन चेयरमैन हैं वो एस सोमनाथ जी इसके चेयरमैन हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को हम किस फॉर्म में जानते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें पता होंगी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 में। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को हम बैंकर बैंक जानते हैं, यानी कि सभी बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सभी बैंकों का मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है बैंकों की वो सॉल्व करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट को लोन देना रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, तो इस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो इसके जो गवर्नर हैं वो हमारे शक्तिकांत दास जी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए जहाँ पे आपको क्वेश्चन बनता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हम सीधा सीधा नहीं कह देंगे कि वेंकैया नायडू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सबसे पहले राज्यसभा के बारे में हमें पता होना चाहिए। राज्यसभा का टर्म 6 सालों का होता है, लोकसभा का टर्म 5 सालों का होता है, राज्यसभा का टर्म 6 सालों का होता है, और इसकी जो एज लिमिट होती है वो 30 साल होती है एज लिमिट राज्यसभा का मेम्बर बनने के लिए। तो इसके चेयरपर्सन हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वेंकैया नायडू जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो हमारा राज्यसभा का चेयरमैन होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एन वी रमाना जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे फ्रेम कर दिया था, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो जस्टिस एन वी रमाना यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट हमारी कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। नाउ नेक्स्ट इज लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकसभा स्पीकर हमारे हैं ओम बिरला जी, लोकसभा स्पीकर हैं। लोकसभा जैसे कि आपको पता है लोकसभा का टर्म होता है 5 ईयर, 5 साल का टर्म होता है लोकसभा का, और हमारे जो स्पीकर हैं वो ओम बिरला जी हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं हमारे राजीव कुमार
चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे राजीव कुमार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। जितने भी तरीके के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, हमारा राज्यसभा का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो, जितने भी तरीके के इलेक्शन होते हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ कैग। कैग हमारे जो हैं कंट्रम, कैग का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके जो हेड हैं वो गिरीश चंद मुर्मू है, इसके चेयरपर्सन है वो गिरीश चंद मुर्मू है। नाउ नेक्स्ट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ के वेणुगोपाल, जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो के वेणुगोपाल हैं। इनको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है ये गवर्नमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री इनको कहा जाता है, और ये गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं रिलेटेड टू द लॉ। सो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हेड ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिस। सबसे पहले हमें सिर्फ ऑप्शन देख के ही टिक नहीं करना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन, हाँ राजीव कुमार, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जहाँ पे बात आई तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अगर इसको हम पॉलिटिक्स से रिलेट कर दें, कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 324 इज डील विद द इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 324 आर्टिकल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें मैं अपनी सारी वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।